यू गाइस आर एंजॉयिंग द डेन कॉर्बेट रिजॉर्ट. ऐसी जगह पर अगर कोई अवार्ड बनेगा इट शुड बी नेचुरल. मैंने और अलीशा ने दिव्या को पहनाया केला अवार्ड. ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो सबसे बड़ी ड्रामेबाज है. क्यों? जब ऋतु को कुछ प्रॉब्लम हुई थी दिव्या से, व्हेन शी सेड द होल ब्लैक मैजिक क्रैप, तो हम लोग उनके कमरे में गए थे तो बेड में बैठ कर नसी चाह रही थी, गेट आउट ऑफ माय रूम, गेट आउट ऑफ माय रूम. जैसे लाइक जो पागल खाने में होते ना लोग, उनको इंजेक्शन देना पड़ता है उनको काम डाउन करने के लिए, बिल्कुल ऐसे चिल्ला रही थी. तो आई थॉट लाइक आई थॉट दैट शी डिजर्व्स दैट अवार्ड. दिव्या मुझे बहुत ही साइको लगती है. वो कभी कदार ऐसे बिहेव करती है जैसे शी इज लाइक द क्यूटेस्ट थिंग. वो ऐसे घूमेंगी, की 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 की, वो इतना सुंदर बर्ड है. फिर उसके बाद जब वो पागल हो जाती है तो वो शी इज लाइक मेरे रूम से निकल, पूरा दांत बाहर निकाल के. Steffi, you're next. I was 100% sure ये मेरे को ही आके पहनाएगी. She's good at it. I won't say it's bad. दोस्ती हमारी वैसे भी टूट चुकी है तो अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का. मैंने बोला चल निकल. दिव्या आपको भी अवार्ड देना अभी. हाँ सर. Go for it. Steffi है जो दूसरों के झगड़ों में वो आती है बीच में. इसको हर जगह बस दिखना है, हर जगह सिर्फ टैंटम्स फैलाने, तो ये ड्रामा क्वीन है. अगली कैटेगरी है बहुत ही गंभीर कैटेगरी है. For this, you have to be very close to the person. Literally. Or not so close and it just enters your personal space. Body odor. Body odor. Steffi. तूने मेरा परफ्यूम लगाया है. याद रखियो Steffi. Who's the stinky boy in the house? Oh, I haven't smelled you, sorry. My award was for a very deserving man and it was Akib, so badbudar Akib. Akib, welcome to Splits Villa. Nice. At least she smelled him. No, first. It smells nice. कल रात के इंसिडेंट के बाद मैंने वो अवार्ड दिया था हनीद को, बिकॉज आई थिंक हिज सोल वाज स्मेलिंग रियली बैड. मैं क्या बता, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे फार्ट की स्मेल भी ना तेरे परफ्यूम से अच्छी है. ठीक है. दिव्याज नेक्स्ट. वेलकम टू मी और किसी लड़के के पास तो मैं इतना क्लोज गई नहीं हूँ. मुझे पता ही नहीं है हाउ डू अदर गाइज स्मेल. आई हैव बीन इन द वर्स्ट सिचुएशंस एंड नाइस सिचुएशंस एंड लव हिज थिंग. मुझे केला पहनाई थी इतने प्यार से, ये बात करके इतने प्यार से मुझे बोलती है. द नेक्स्ट कैटेगरी सबसे बड़ा बदतमीज. बदतमीज ब्रिंग द केलास टू मी, आई विल गो टू द केलास. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मुझे पता था आई हैव बीन ऑनर्ड विद इट वे बिफोर ये बेवॉच सेशन. हैड टू बी एक्सपेक्टेड. आई वाज लाइक सिटिंग देयर एंड मैंने कहा लाओ लाओ केले लाओ खिलाओ लाओ लाओ एंड आई वाज ओके. Steffi. ओह मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने उठाया एंड मैंने जाके जस्ट बिकॉज़ ही अब्यूज्ड मी दे मारा अक्षता के गले में. आई नो मुझे लगता है कि मैंने एक आर्गुमेंट में उसको बुलाया था जो वो है तो वो बदतमीजी मैं नहीं समझूंगी. अरे थोड़ा तेज हो गया क्या? आराम से आराम. क्या कर देखो कितने हैं, किसके पास कितने हैं उसके हिसाब से करो. चल मैं जा रहा हूँ. डाल. फाइनली मेरी एक रिंग गई और मैं भूमिका को बोला, भूमिका प्लीज प्लीज कर. 45 seconds left guys. आराम से देख के.
भूमिका यार। अबे यार। कोई बात नहीं, उसके वैसे भी एक ही उसके डाल डाल 45 सेकंड रह गए। नो पॉइंट, फेंक दो कुछ भी कर लो। भूमिका के पास 5 रिंग्स थी और उसमें से एक भी नहीं गई उससे, एक भी नहीं। आई वाज लाइक कहाँ है तेरा बीस्ट मोड, अभी चाहिए मुझे तेरा बीस्ट मोड, सेमीफिनाले है ये। आप सबके पास ये वो रिंग्स थे जो बॉयज ने कलेक्ट किए थे, नाउ यू विल गेट द रिंग्स जो गर्ल्स ने कलेक्ट किए थे। फर्स्ट राउंड में किसी का भी रिंग बैक टू बैक नहीं गया एंड इट वाज जस्ट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग कि भाई रिंग नहीं जा रहा, एक छोटा सा रिंग नहीं डाल पा रहे। रेडी, 3 मिनट है, 3, 2, 1 गो। Nice, yeah. Shivam, you got the hang of it. Close. सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट तो वो था जहाँ पे ऐसा हम फेंक रहे थे और रिंग ऑलमोस्ट जाने वाली थी और लग के कहीं और पे गिर रही थी। मेरी रिंग जाती है और फिर मैं अदिति को पुश कर रहा था कि यार हमारे पास और 2-3 रिंग बची है, तू फेक रुक जा यार। अरे यार, शी वॉज नॉट एबल टू डू इट, मे बी बिकॉज ऑफ प्रेशर। फोकस, बूम, एक रिंग मेरी अंदर जा चुकी थी और बस अब मेरी माँ मेरी पलक, तू एक रिंग डाल दे यार। कंग्रेचुलेशंस शिवम एंड पलक, you guys are in the finale of Spitzula 13. Well done. Congratulations. हम बन गए थे Spitzula सीजन X3 की फिनाले की पहली जोड़ी। वो deserving. मैंने देखा है डे 1 से शिवम को, बंदे ने जितना स्ट्रेस लिया है, बंदे ने जिस तरीके से खेला है, वो एक्चुअल में डिजर्व करता है फिनाले में रहने का। You're the only couple जिन्होंने एक साथ 2 रिंग्स डाले। वेल डन, आपको कौन मिलने वाला है फिनाले में ये डिसाइड होगा अगले राउंड में। लेट्स गेट रेडी, अब शुरू होता है राउंड 2 और इस टाइम पे सबको इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स मिलते हैं। अभी हमारे पास लास्ट मौका था फिनाले में जाने का, हमें किसी भी हाल में ये राउंड जीतना ही था एंड द प्रेशर वाज राइट हियर। आर यू गाइस रेडी? यस सर। मैं चाहती थी निखिल फिनाले में होना चाहिए क्योंकि वही हमें यहाँ तक लेके आया और जिसका दिमाग था वही अगर पीछे रह जाएगा तो बहुत बुरी फीलिंग है वो। 3, 2, 1 गो। Easy. Focus. Easy lemon squeezy. कोई बात नहीं जय, काम ना हो जाएगा, हो जाएगा। ओ यार मेरे तो कहीं और ही जा रहे हैं। मेरा निशाना भयंकर तरीके से खराब था एंड आई वॉज लाइक व्हाट द इज हैपनिंग हियर। लेकिन फोकस, फिनाले, कम ऑन निखिल, यस। मैंने जब अपना एक रिंग फेंका पहला तो वो जाके उस पे अटक गया था और उस टाइम पे मैं हो गई कि ओ शिट 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 प्लीज ये काउंट हो। What does it mean? That's counted. Yes. Good one. Yes. Yeah, good one. Well done, Aditi. Good one, Aditi. Oh, thank God, एक तो गया। और मैं कर रहा हूँ कि क्या हो गया है भूमिका, प्लीज कुछ कर, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, तू डाल दे। थोड़ा राइट में रख भूमिका, थोड़ा राइट में रख। निकल फिर भी ट्राई करा, निकल का आसपास रिंग जा रहा था बट भूमिका का रिंग तो 2 गज दूर जा रहा था बट वो उसका स्टैंड जो सामने पड़ा हुआ वो उस पर एम ही नहीं कर रही है।
सब पूरी जोर लगा रहे हैं, किसी की रिंग नहीं जा रही है यार, सब कोशिश कर रहे हैं। पढ़िए सबकी यार, मतलब फिनाले यार, सबको फिनाले दिख रहा है। ध्रुव की रिंग आती है और वो पोल में जाके गिरती है, तभी मेरी गई, बिकॉज अदिति ने जो पहला रिंग डाला था वो अब वेस्ट हो चुका था। अब हमें फिर से दो रिंग्स बैक टू बैक डालने थे। जय भाई फोकस। सडनली जय का भी एक रिंग चला गया, तो मैं बहुत खुश हो गई उस टाइम पे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था उस टाइम पे। अरे कहाँ फेंक रही है यार, नीचे से आराम से झुक। ओह शिट। लास्ट में अदिति के पास बची थी एक रिंग, सो इट वाज वेरी लाइक वी वर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द सीट, बिकॉज़ ये चैलेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डाल दो अदिति, सील इट। Congratulations, Jay and Aditi, you are in the finale of Splitzilla 13. Go for it, Jay. Finally, हम लोग फिनाले के लिए जाने वाले, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरे और जय का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारा तीन की यारी सब पे भारी वाला काम हो गया। हमारे तीनों में से दो कपल आज फिनाले पे जाने वाले थे, हम बहुत खुश थे। In the finale, we have two ideal matches. Boom, bam. Aditi and Jay, and Palak and Shivam, congratulations. Bhumika and Nikhil, ek bhi ring nahi gaya andar. What happened? Pata nahi, sir. मैं अपने लिए कहीं ना कहीं disappointed था. पर मुझे ये था कि इन दोनों में से अभी कोई भी जीते, हम तीनों की जीत है. अरे यार बुरा तो लगता है ना यार। सपना और ध्रुव, हार्ड लक। अभी तक हर चीज को जीतते तो चले गए, और आज किस्मत साला साथ में ही नहीं थी। बट मैं खाली हाथ नहीं घर जा रही थी, मैं स्पिट्सविला में आई थी एक कनेक्शन ढूंढने के लिए, और ध्रुव मुझे मिल चुका था। तो ऐसा नहीं था कि मैं खाली हाथ घर जा रही हूँ, मैं ध्रुव के साथ घर जा रही थी, और मैं इसी चीज में बहुत खुश थी। जब हम लोग टास्क लोकेशन पे पहुंचे तो वहां पर सनी, रणविजय और मार्टिना ऑलरेडी खड़े थे। मुझे तो समझ आ गया कि 110% ये कोई फिजिकल टास्क है, मुझसे तो मतलब रुका ही नहीं जा रहा था। मार्टिना को तो मैं ऐसा गिराऊंगी ना कि अगले एक साल तक वो खड़े होकर अपने थ्रोन पर नहीं पहुंच सकती। Are we missing somebody worse, Mayuri? मयूरी का ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था, शी इज टेकिंग रेस्ट बैक इन द विला। अब वो टाइम आ चुका है कि जो हमारी क्वीन है, शी शुड बी चैलेंज्ड। हम लड़कियों से कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि कौन सी प्रिंसेस अपना गोल्डन ब्रेसलेट गिव अप करेगी, एंड इवेंचुअली अब ये पावर बॉयज के पास ही गई। मैं एक एक करके प्रिंसेसेस का नाम लूंगा, आप अपना हाथ सिर्फ एक बार उठा सकते हैं। किस किस को लगता है कि श्री को अपना ब्रेसलेट गिव अप करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑब्वियसली श्री के पास नहीं है, उसका गोल्डन ब्रेसलेट जाएगा ही जाएगा। देन आई वाज लाइक थिंग्स हैपेंड द वे आई वाज होपिंग। श्री, पांच लड़कों ने आपके लिए हाथ खड़े किए। We need you to give up the bracelet. I was so disappointed and frustrated with that decision. कि अरे यार, chance तो देते at least perform करने का। मेरे को confirm पता था कि मैं मार्टिना को हरा सकती हूँ, क्योंकि जो सारी aggression थी, मुझे उससे face to face निकालनी थी, बात करके मुझे नहीं उसके साथ लड़ाई करनी थी। Boys. Who you want to see compete against the queen? Out of Isha and Kavya. Have you boys made your decisions? Yes. We'll start with Abhishek. Isha.
दिशा ईशा काव्या. सो द स्कोर इज 3-3. द लास्ट एंड डिसाइडिंग वोट इज निक्स. निक ईशा मेरे को लिटरली उस टाइम मन कर रहा था कि मैं जाके उसको थप्पड़ लगा दूं. मैं पहला क्वीन टास्क भी निखिल की वजह से हारी थी. 100 में से 80% चांसेस ये हैं मार्टिना के लिए ईशा को हराना बहुत आसान हो और मैं नहीं चाहता कि काव्या जाके लड़े. Congratulations, ईशा. Then come claim your bracelet. I'll let you do it. Finally, I got it. मैं मतलब चाह रही थी कि कब ये मार्टिना यहाँ से हटे और मैं इस थ्रोन पे बैठूं और फिर मैं इसे दिखाऊं कि गेम कैसे खेलते हैं. ईशा को जितना बता रही है कि शी वांट्स अ थ्रोन, सो आई रियली वांट मैं उनको हरा के वापस थ्रोन पे बैठ जाऊं. मार्टिना और ईशा, आप दोनों के बीच में एक बैटल होगा जिसमें आपके हाथ में होंगे ये. आपको ये एंड को यूज करके एक दूसरे को गिराना है.